आज अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता। 30-30 लाख जाकर हज करते हैं, दुनिया के हालात में कोई जर्रा बराबर फर्क आता है? अव्वल तो हराम की कमाई से हज हो रहा है, तो हज है ही दूसरे से। जो कुछ करते गए थे सूदी कारोबार, वही आकर दोबारा शुरू कर दिया। सरकारी मुलाजिमत, तो जो रिश्वत पहले ले रहे थे उसके बाद आकर शुरू कर दिया। ये क्या है? ये तकजीब बिल अमल है, जुटलाना है। तुमने अपना नसीब ये बना लिया है कि तुम कुरान को जुटला रहे हो, जैसे कि उन्होंने जुटलाया था। मसल الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, उनकी मिसाल उन गधों की सी है जिन पर किताबों का बोझ लाद दिया गया। मकालमात फलातुन, गठड़ी बांधकर गधे के ऊपर रख दीजिए तो क्या वो वाकई मंतकी और फलसफी बन जाएगा? यह मिसाल अल्लाह दे रहा है। और यह मिसाल क्यों दी गई है? इस आईने में हमें हमारी तस्वीर दिखाई गई है। तुम अगर कुरान का हक अदा नहीं कर रहे तो तुम्हारी मिसाल वही है जो यहूद की थी। बेसमसल कौमी लजीना कस्सबू बे आयात अल्लाह, बुरी मिसाल है उस कौम की जिसने अल्लाह की आयात को झुटलाया।